जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज के क्लास में चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा, पहला होगा। दोस्तों यह भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही आराम से देखिएगा और अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा। और चैप्टर भी आसान है और प्रश्न भी दोस्तों क्या 1 से 2 नंबर तक इस चैप्टर से पूछा जा सकते हैं, इसलिए चैप्टर को तो देखना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों क्या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है। डाल लीजिएगा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। दोस्तों पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स क्या होता है, देखिए आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में खूब अच्छे से संख्याओं के बारे में सीखा, यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता भी होगा, सिखाया भी, और मैंने चैप्टर 3 में भी दोस्तों मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा की। चैप्टर 3 में मैंने बहुत अच्छे से प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, इसमें मैंने विधिवत से चर्चा किया। चैप्टर 3 में मैंने विधिवत से चर्चा किया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों ने चैप्टर 3 को देखा भी बहुत अच्छे से होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाइए दोस्तों चैप्टर 3 के सभी लेक्चरों को बहुत अच्छे से देखिए, आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपको वास्तविकता में समझ में आएगी संख्याएं वास्तविकता में होती क्या है। वैसे मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में विधिवत से चर्चा कर लिया है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, तो एक बार पुनः जो पूर्ण संख्याएं मतलब क्या होल नंबर्स क्या होते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर जानने से पहले नेचुरल नंबर जानना बहुत जरूरी है। मतलब पूर्ण संख्याएं जानने से पहले आपको पता होता हूं होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं वो हमारी सभी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और कहां तक होती, अनंत तक, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक। जैसे हमें गिनना है, मैं पूछूं ये कितने मार्कर हैं, तो आप गिन के बताएंगे सर ये 2 मार्कर हमारे पास है, आपके पास 2 मार्कर हैं। मैं पूछूं इसमें कितनी उंगलियां हैं, तो आप बताएंगे सर गिन के बताएंगे इसमें कितनी, 5 उंगलियां हैं, गिन के बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो क्या जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर लें, क्या प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को मिला देते हैं तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, हमें पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो डिफिनेशन के तौर पर दोस्तों लिख सकते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। लिख लीजिए फिर अच्छे से समझाता हूं, क्या लिखिएगा, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं। देखिए डिफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए डिफिनेशन को दोस्तों अच्छे समझना है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती है, ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से दोस्तों उदाहरण देखिए, उदाहरण आपको पता अभी मैंने बताया क्या, 0, 1, 2, 3, तो ये सभी दोस्तों मैं कैसे कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं, ये 1 से लगा के इन्फिनिटी तक है। और दोस्तों कहलाएंगे कैसे संख्याएं, ये जो मैंने लिखी है 0 से 1 तक, ये सभी संख्याएं हमारी क्या पूर्ण संख्याएं हैं। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, यानी कि शून्य सहित जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये संख्या रेखा से समझना चाहें तो आप जानते हैं इधर 0, फिर इधर क्या +1, +2, +3, ऐसे दोस्तों क्या आगे भी बढ़ेगा, क्या +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, ऐसे दोस्तों कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा,
है कि नहीं। यानी कि दोस्तों ये एक से लगाकर इन्फिनिटी तक, यदि यहाँ मान लेते कि यहीं पर इन्फिनिटी है तो यहाँ से लगाकर दोस्तों इन्फिनिटी तक ये सभी दोस्तों हमारी कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर है, एन से लिखते हैं। और दोस्तों इन नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। नेचुरल नंबर में दोस्तों यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, जीरो से अनंत तक की संख्या दोस्तों हमारी क्या कहलाती, होल नंबर्स कहलाती हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। तो ये दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्याएं एक से लगाकर इन्फिनिटी तक ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब ध्यान समझिएगा, यहां से एक नोट पॉइंट लिखिएगा, वैसे मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैं पूछ रहा हूं प्रश्न, आपका इसका उत्तर दीजिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप जवाब देंगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों लिख लिए जा, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जबकि मैं लिखवा चुका हूं, फिर से इस चैप्टर में एक बार पुनः लिखवा दे रहा हूं, सभी प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं पूर्ण पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब ध्यान समझिएगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? नहीं। देखिए पूर्ण संख्याएं कहां से, जीरो से लगाकर इन्फिनिटी तक है, जीरो से लगाकर अनंत तक की संख्याएं क्या हमारी पूर्ण संख्याएं। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? नहीं। जीरो दोस्तों हमारा क्या है, एक ऐसी संख्या है जो हमारी क्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अच्छा इधर की संख्याएं, इधर तो प्लस की होती, इधर की क्या होती हमारी संख्या, माइनस की, ये भी तो जानते हैं। जैसे इधर चलेंगे ऐसे तो माइनस वन, माइनस टू, ये माइनस थ्री, ऐसे दोस्तों इधर भी जाएगा हमारा क्या इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट दोस्तों आपसे कह रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं नहीं होती हैं, होती हैं। और एक लास्ट पॉइंट दोस्तों लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं। अरे प्राकृतिक संख्या जानते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहेगा तो आप जानते हैं एक होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी दोस्तों होती, देखिए जीरो से स्टार्ट है, यानी कि जीरो ही सबसे छोटी क्या होती, पूर्ण संख्या होती, जीरो ही क्या है हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में पूछे वस्तुनिष्ठ में या प्रतिलघु में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो, और दोस्तों यहीं पर लिख देना, चलिए एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है क्या, संख्याओं को गिनने वाली संख्याएं होती हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कितनी होती, अभी मैंने बताया क्या, एक होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करेगा तो दोस्तों हम एक लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करेगा तो जीरो लिखेंगे। ये चार पॉइंट लिख लीजिए, खासकर तीसरा और चौथा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। चलिए अगली दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। दोस्तों यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है,
तो पहले जानते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। कंजुगेटिव होल नंबर्स की बात करना है, इसको रब कर दूं, इसको लिख लिया होगा ना। तो दोस्तों ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, क्या ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, होती है ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक क्रम मतलब सीरियल से हो, जैसे क्या, जैसे मैं पूछूं दो लिख दूं और मैं पूछूं दो की क्रमागत पूर्ण संख्या, तो आप जानते हैं तीन होगी, जस्ट इसके बाद आने वाली संख्या। अरे मैंने आपको सिखाया है क्या अनुवर्ती संख्या, आपको याद आएगा अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या सिखाया कि नहीं सिखाया, अनुवर्ती संख्या कह लें या परवर्ती संख्या या दोस्तों क्या उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, ये क्या तीनों अलग अलग हैं? नहीं भैया, तीनों का मतलब एक ही, चाहे अनुवर्ती संख्या कहो, चाहे परवर्ती संख्या कहो और चाहे उत्तरवर्ती संख्या कहो, तीनों का सेंस एक ही है। तो जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती, तो प्राकृतिक संख्या में जस्ट उसके आगे आने वाली संख्या जो होती वही हमारी क्या कहलाती, अनुवर्ती संख्या कहलाती। पर यहां क्रमागत पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो एक क्रम में जो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी यानी कि जस्ट उसके आगे जो आने वाली संख्या होगी वही हमारी दोस्तों क्या कहलाएंगी, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसको रब कर दूं, चलिए दोस्तों लिखिएगा, ऐसी संख्या, ऐसी पूर्ण संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो क्या होती, एक सीरियल में होती, जो एक क्रम में होती, जो एक क्रम में होती हैं, में होती हैं, क्या कह रहा है, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत, कमा लगाओ, क्रमागत, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। ध्यान समझिएगा, उदाहरण उदाहरण देखिएगा, पहला उदाहरण, जैसे दोस्तों आपसे पूछ ले कि 99 की क्रमागत, क्रमागत पूर्ण संख्या, तो दोस्तों ध्यान से, जब भी आपके 99 की क्रमागत पूर्ण संख्या, किसी भी संख्या की क्रमागत पूर्ण संख्या यदि आपसे पूछे, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो संख्या दे रखी है उसमें एक ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 99 देखा इसमें एक ऐड करेंगे 100 हो जाएगी, यानी दोस्तों 99 की क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। जैसे आपसे पूछ ले, ध्यान समझिएगा, जैसे आपसे पूछ ले 109 की क्रमागत, क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों, आपको पता 109 में भैया हम एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110, तो 109 की क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी 110। अच्छा अगला देखिए, जैसे आपसे पूछ रहे जीरो की, जीरो की क्रमागत पूर्ण संख्या, जीरो की क्रमागत पूर्ण संख्या, तो क्रमागत मतलब भाई पूर्ण संख्या की बात कर, जस्ट जीरो के बाद आने वाली संख्या क्या होगी, जीरो की क्रमागत पूर्ण संख्या पूछा है, तो जीरो के जस्ट बाद आने वाली संख्या, जीरो में एक ऐड कर दीजिए, आपने क्या किया जीरो में एक ऐड कर दिया, तो दोस्तों में कितना प्राप्त हो जाएगा, एक प्राप्त हो जाएगा, एक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जीरो में जैसे ही आपने एक ऐड किया, यानी कि जीरो की क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। एक नोट पॉइंट लिखिएगा दोस्तों यहां से, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, मतलब जस्ट उस क्रम में होने का, तो जस्ट उसके आगे वाली जो आने वाली संख्या होगी वही क्रमागत संख्या कहलाएंगी। आप जानते हैं इसे क्या, जैसे क्रमागत संख्या लिखते हैं तो जीरो लिखते हो, फिर एक लिखते हो, फिर दो लिखते हो, फिर तीन लिखते हो,
फिर ऐसे क्या चार लिखते हो, फिर पांच लिखते हो, फिर छह लिखते हो, फिर सात लिखते हो, फिर ऐसे दोस्तों कहां अनंत तक लिखते हैं, लिखते क्या लिखते हैं। तो देखिए सारी संख्याएं एक क्रम में है, तो ये संख्याएं यदि इस तरीके से लिखी होंगी तो हम इनको कहेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। क्या एक क्रम में लिखी है, जैसे ये तीन संख्या जैसे इतना लिखा होता है सिर्फ तीन चार पांच, ये भी क्रम में है तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं दोस्तों होंगी। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, नोट पॉइंट लिखिएगा भैया, नोट पॉइंट में लिखिएगा एक पॉइंट, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत क्रमागत पूर्ण, ये नोट पॉइंट दोस्तों बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर एक होता है। अब सोचेंगे सर ये कहां से आ गया, अभी समझाता हूं, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर एक होता है, वो भी हमेशा एक होगा, एक होता है, क्या हमेशा एक होगा, कैसे दोस्तों ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने अभी आपको लिखा था क्या, जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ऐसे दोस्तों क्या चार हो गया, ऐसे बहुत सी संख्याएं होंगी। अब इसमें दो क्रम से कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे दो तीन, ये दो तीन क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे दो और तीन है, दो और तीन ये क्रमागत संख्या है कि नहीं, अब हमें इनको अंतर चाहिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया, यदि हमारे साथ आप सास पहले से जुड़े हैं, शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको पता होगा अंतर का, दोस्तों डिफरेंस का मतलब क्या होता, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना, डिफरेंस का मतलब दोस्तों क्या होता, ध्यान समझिए, अंतर का दोस्तों मतलब क्या होता, क्या इसका मीन क्या है, अर्थ क्या है। तो अंतर का दोस्तों जो मतलब होता हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो आपसे कहा दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर एक होता, देखिए दो है तीन, तो बड़ी संख्या तीन, तीन में से घटाइए, तीन में से दो घटाएंगे, जब हम तीन में से दो घटाएंगे दोस्तों हमें एक प्राप्त होगा। कोई भी संख्या जैसे चार तीन ले लें, तो चार में से तीन घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा बताइए, चार में से तीन घटाएंगे एक आएगा कि नहीं आएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दोस्तों पचपन और छप्पन ले लें, तो पचपन और छप्पन देखिए दोनों क्रमागत पूर्ण संख्या है कि नहीं, पचपन के जस्ट बाद छप्पन आएगा कि नहीं आएगा, तो क्रमागत पूर्ण संख्या होगी। अब इनका अंतर करना है, तो आपको पता है छप्पन में से यदि पचपन को आप घटाएंगे तो कितना एक ही तो प्राप्त होगा। कोई भी ले लीजिए, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, जो भी संख्या लीजिए, पर क्रमागत होना चाहिए, कंजुगेटिव होल नंबर्स होने चाहिए, क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी तभी होगा। तो जैसे पचपन छप्पन ऐसे हमने क्या और ले लें, और ले लें, चलिए 111 और 112। अब देखिए 111 112 इन दोनों का अंतर करेंगे, तो 112 में से 111 घटा दीजिए तो कितना एक ही तो आएगा, तो है अंतर एक ही नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का जो अंतर दोस्तों हमेशा एक होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया, कहेगा निम्नलिखित में दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर है, और ऑप्शन दे दिया पहला जीरो, फिर एक, फिर दो, माइनस एक, तो आप किसको टिक करेंगे, प्लस वाले एक को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर इसके आगे दोस्तों प्रश्नों की चर्चा करते हैं, इसको नोट करिए फटाफट। देखिए मैं बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक ढंग से हर टॉपिक को सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, तो दोस्तों आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे संख्या बढ़े, जिससे मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आए। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र जोरदार शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल का दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जरूर शेयर करेंगे, और दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बहुत ध्यान समझे, जैसे आपसे कह ले 19,999, बहुत बड़ी संख्या लिख लिया, कि एक क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए,
बताइए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 19,999 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। अच्छा खाली ऐसे लिखा होता कि 19,999 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए, तो दोस्तों आप एक बताएंगे, ठीक है। जब एक लिख देगा बहुत अच्छी बात, नहीं लिखेगा तब भी एक ही की बात करेगा, तो दोस्तों क्या लिखोगे, 19,999 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या। दोस्तों क्या करेंगे, 19,999 में हम एक ऐड कर देंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः 19,999 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर, पूर्ण संख्या बराबर दोस्तों क्या हो जाएगी, ऐड कर लेंगे तो 20,000 आएगा, ऐड करके देखिएगा 20,000 ही आएगा, भाई एक और नौ दस, और फिर एक हंसे चला नौ एक दस, फिर एक हंसे चला नौ एक दस, फिर एक हंसे चला नौ एक दस और एक एक दो, तो ये दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, 19,999 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो बहुत आसान है, तो आप फटाक से कर लेंगे मुझे पता है, पर प्रश्न कैसे आते उस पर भी तो हमें चर्चा करनी है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सेकेंड दूसरा क्वेश्चन, आपसे कह रहा है थोड़ा छोटा प्रश्न लेते हैं, जैसे आपसे कह दे 201 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए, तो सिंपल सा है, जहां 19,999 लिखा वहां क्या करेंगे 201 लिखेंगे, 201 की क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 201 और प्लस 1 जोड़ देंगे इसी में, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, अतः 201 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 201 में दोस्तों क्या करेंगे आप एक ऐड कर देंगे तो 202 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं, इतना सिंपल प्रश्न है। चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रश्न का स्तर बढ़ता जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है 599 की एक क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए, जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और आंसर मुझे उम्मीद है आप टाइप भी कर रहे होंगे। चलिए तीसरे का चौथा, आपसे कह रहा तीसरे का चौथा नहीं चौथा प्रश्न है, कह रहा है 298 की दो, 298 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है दोस्तों कि 298 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बतानी है, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए क्या 298 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं दोस्तों कितनी हो जाएंगी आपको पता है, 298 के जस्ट आगे कितनी आएगी आप जानते हैं 299 आएगी, और 299 के जस्ट आगे कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। सोच रहे हैं ये सब कैसे हुआ, देखिए 298 है इसके आगे की क्रमागत पूर्ण संख्या पूछा है, तो आप जानते हैं 298 के बाद क्या था 299, यानी कि इसमें एक ऐड कर देंगे 299 आ जाएगा, और दोस्तों 299 के जस्ट आगे क्या होता है, तो इसमें एक ऐड करें तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, यही दोनों हमारे आंसर हो गए 299 और 300, तो 298 की दो क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी 299 300 हो जाएंगे, ठीक है। अगला चौथे के बाद पांचवा, आपसे कह रहा है 997 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, चलिए नोट कर लीजिए इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला पांचवे के बाद छठा प्रश्न, चलिए यही रखते हैं 997 ही रखते हैं कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, तो ध्यान से देखिएगा क्या 997 की तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं पूछा है, तो 997 की तीन
क्रमागत पूर्ण संख्याएं। दोस्तों कितना हो जाएगा, आप इसके आगे बढ़ते जाइए, 997 के बाद कितना आता है 998, 998 के बाद कितना आता है दोस्तों 999, और 999 के बाद कितना आता है 1000। ये हमारे तीनों आंसर हो गए, है कि नहीं। कैसे आया भाई, 997 के क्रमागत क्रमागत पूर्ण संख्या पूछा है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 998 हो जाएगा, और 998 के आगे की पूछा है तो फिर से इसमें एक ऐड कर लें तो 999 हो जाएगा, और इसके जस्ट आगे फिर से पूछा है इसलिए 999 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 998, 999 और 1000 हो गया, ठीक है। देखिए अब एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए, सातवां नंबर आपसे कह रहा है 697 की तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताएं, जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आठवां देखिएगा, एट्थ नंबर आपसे दोस्तों आपसे कह रहा है, एट्थ नंबर कह रहा है कि 104 की, 104 की इसको ना करो ध्यान से, 104 की कह रहा है 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका योगफल कीजिए। 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका योगफल ज्ञात करना हमें, तो कैसे करेंगे दोस्तों, वैसे ही करेंगे। कैसे, 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, ध्यान से भैया देखिएगा, 104 के जस्ट बाद क्या आता है 105, और 105 के बाद उसको कितना आएगा 106, ठीक है। आप क्या कह रहा था, 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों लिखेंगे क्या फाइनल आंसर, या ऐसे लिख लीजिए 104 की दो, देखिए आपसे पूछा 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्या, तो मैंने 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्या ज्ञात कर ली, 105 होगा 106 होगा, उसके आगे कह रहा ज्ञात कर उनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल दोस्तों संख्या क्या आई, 105 आई है और प्लस का 106, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आप जानते हैं 5 और 6 11 हो जाएगा, और कितना 211, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः 104 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर 211 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। नवा नंबर नाइन्थ कह रहा दोस्तों आपसे 798 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो जैसे किया है वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला नवे के बाद दसवां नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, 11 1111 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका अंतर ज्ञात कीजिए। इस बार दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना, उनका अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस चाहिए। तो क्या 1111 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, तो 1111 की दो क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसका आंसर तो दोस्तों आप जानते हैं कितनी, 112 हो जाएगी और 113 हो जाएगी। 1111 की दो क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 1112 और 1113, तो अतः क्या हो जाएगा, इसके नीचे देखिएगा, 1111 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर, तो आपको पहले से ही पता है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है, एक होता है, आंसर तो आपको पता है, पर यही प्रश्न अति लघु में आएगा तो आप करके दिखाना होगा, अंतर पूछा है, वो अंतर का मतलब हमेशा घटाना होता है, इसलिए क्या 1113 में से 1112 घटा दीजिए, कितना जाएगा 1, इससे तो आप परिचित हैं और कर भी लेंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। 11 के बाद 10 के बाद 11 देखिएगा, आपसे कह रहा है कि 199 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका अंतर ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा। 12 नंबर देखिएगा, अगला पैटर्न आपसे कह रहा है ध्यान से, 299 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका गुणनफल, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, 299 बहुत बढ़िया नो बना है, 299 की दो क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो जाएंगी, ध्यान से देखिएगा कितनी होगी। 299 के जस्ट बाद कितना आता है, 300, और फिर 300 के बाद दोस्तों 301। क्या 299 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहा है, तो 300 के बाद 301 हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा, यहां क्या लिखोगे, 299 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 300 × 301, चाहे 301 × 300 करें और चाहे 300 × 300 करें, बात है कि गुणनफल चाहिए, मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 3 हो गया, फिर 0 हो गया के, और 3 × 3 = 9 हो गया, 903 ये होगा, 2 × 0 ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया 301 से, 301 को, तो 3 × 3 हो गया जाके, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से करें, 0 होगा, 3 × 3 = 9, और 2 × 0 लगे थे तो 2 × 0 हो गया, तो कितना होगा, 90,300 आ गया। तो आता यहाँ लिखिए, आता 299 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 90,300 होता। अगला 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि 899 की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं ज्ञात कर उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।